नवरात्रि के उत्सव में गरबा और डांडिया दो महत्वपूर्ण नृत्य परंपराएं हैं जिनका न केवल सांस्कृतिक महत्व है बल्कि धार्मिक पहलू भी है। नवरात्रि पर्व के दौरान गरबा और डांडिया पारंपरिक नृत्य किया जाता है। ये विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में खेला जाता था, लेकिन अब देश भर में इसका आयोजन होता है। इन नृत्यों का नवरात्रि से गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है, जो उत्सव की खुशी और सामुदायिक भावना को भी प्रकट करता है। वहीं थाने जिले के अंबरनाथ इलाके में गरबा और डांडिया का उत्सव बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में युवा सेना निखिल वालेकर, राजेंद्र वालेकर और शहर के नगर अध्यक्ष ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा के रूप में दिए जाने पर अपनी खुशी व्यक्त की। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा के रूप में मंजूरी दी है। वहीं इस खास मौके पर युवा सेना निखिल वालेकर ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। आज हमारे मराठी भाषा को महाराष्ट्र के बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा केंद्र शासन की ओर से दिया गया है। मैं केंद्र शासन का और आज तक इस भाषा को अभिजात दर्जा प्राप्त करने के लिए जिन जिन्होंने मेहनत किया है उन सभी का आभार व्यक्त करने के लिए आज हमारे जय भवानी पारंपरिक सेवा संस्था की ओर से अध्यक्ष माननीय अरविंद वालेकर साहब के मार्गदर्शन में आज हम लोग यहाँ पर जय जय महाराष्ट्र गीत का सामूहिक पठन करने का निर्णय मंडल की ओर से लिया गया। और ये केंद्र शासन का जो निर्णय है ये महाराष्ट्र पूर्ता नहीं तो आज संपूर्ण भारत देश, भारत वर्ष ये महाराष्ट्र भाषा और मराठी भाषा बोलने लगेगा। इसका जो इतिहास है मराठी भाषा का, महाराष्ट्र का, ये गए 1500 से 2000 साल पुराना है। अनेक बहुत सारे ग्रंथ साहित्य ये मराठी भाषा में लिखे गए हैं और इस भाषा को केंद्र शासन की ओर से जो अभिजात दर्जा प्राप्त हुआ है उसकी खुशी में आज हम लोग सब लोग जय जय महाराष्ट्र ये गीत हमारे अंबरनाथ के कुंटौली में भवानी माता के मंदिर के प्रांगण में हम लोग आज पठन किए हैं।